तो संडे को ही कर लेना ठीक है ना, ताकि फिर वो माहिर भी आ जाएगा और फरीद भाई से मिला। मैं घर जाती हूँ फिर बात करती हूँ। नैयरा, तुम नैयरा हो ना फरीद की बेगम? जी आप? मैं दुर्दाना हूँ, मैं नाल और अफान की पुप्पो। ओ दुर्दाना आपा, कैसी हैं आप? बहुत साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, हिदायत भाई की बहन और मेहरुन्निसा की भाभी। कहाँ की भाभी, इन्होंने बताया नहीं आपको क्या गुल खिलाया है इन्होंने? गालिबन आप मेहरुन्निसा की शादी की बात कर रहे हैं? गालिबन नहीं यकीनन। भाई हमें तो ये कुछ समझती नहीं है, तुम इन्हें समझाया होता मेहरुन्निसा बेगम को? आपा समझाया तो वहां जाता है ना जब कोई गलती कर रहा हो, मेहरुन्निसा ने तो कोई गलती नहीं की, तो मैं क्या समझाती? हाँ मेहरुन्निसा बता रही थी कि आप कनाडा में रहने के बावजूद अपनी रसूमात और रिवायात को बहुत फॉलो करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वहां की हवा नहीं लगी, अमेरिका में रहे कनाडा में रहे, लेकिन मैंने अपना असल नहीं छोड़ा, वहां के माशरे की अच्छाइयां अपनाई, खामियां नहीं। वहां की अच्छाइयां तो ये भी है ना कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाती, हर एक को जीने का हक मिलता है, और हमारा मजहब भी तो यही कहता है कि दूसरों की टो में नहीं रहना चाहिए। मेरे वजीफे का वक्त हो गया है, वरना बहस करना मुझे भी आता है और मैं चाहलों के मुंह नहीं लगती। अरे सुन लिया, भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने से यही होता है। वो तो तुम्हें भाभी नहीं मान रही थी, फिर कर क्या रही है यहाँ पे दुर्दाना आपा? मेरे गलत फैसले के बुरे अंजाम का इंतजार कर रही है। अरे तुम भी ना मजबूत रहो, ना फैसला गलत था ना अंजाम बुरा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।